सोलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कंटेंट बताने वाला हूँ, अगर उस कंटेंट पे आप 10 से 15 दिन भी काम करते हो तो भाई आपकी जो पेज है ग्रो हो जाएगा। साथ में दोस्तों, अगर आपको एड्स ऑन रील मिल चुका है या अगर आपको एड्स ऑन रील नहीं मिला है तो भाई इस कंटेंट को अगर आप अपलोड करते हो तो एड्स ऑन रील तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में दोस्तों, आप एड्स ऑन रील के जरिए महीने का 500 से 1000 डॉलर या 2000 डॉलर ईजिली गाइज अर्न कर सकते हो। और ये जो अभी सीरीज हमारा चल रही है, मैं आपको कुछ ऐसे कंटेंट्स बता रहा हूं जिसमें आप प्रीमियम कंटेंट यूएसए की कंटेंट भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। साथ में मैं कुछ आपको इंडियन कंटेंट्स भी बता रहा हूं जिसपे अभी के टाइम में बहुत ज्यादा गाइज अर्निंग हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में भाई पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको इस वीडियो को क्रिएट करना है, कहां से आपको कौन सी कंटेंट उठाना है, कौन सी ये कंटेंट है, सारा कुछ यहां पर लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। साथ में मैंने एक वीडियो इसके ऊपर में एक साल पहले भी बनाया था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, उस वीडियो में मैंने अर्निंग प्रूफ भी दिखाया था। तो चलो भाई, यहां पर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं ये कौन सी कंटेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहां पर मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेसबुक को ओपन करूँगा, बस वीडियो को स्किप मत करना, आप वीडियो को पहले देखो, उसके बाद समझो, उसके बाद में आप जाके कमेंट करना या गाइज यहाँ पर स्किप कर सकते हो, लेकिन पहले आप देखो। अब देखो, यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा फनी जोक्स फेसबुक पे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे गाइज फनी जोक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो वीडियो मैंने एक साल पहले भी बनाया था, इसके ऊपर में अगर बहुत सारे लोगों ने अब मतलब कि भाई यहाँ पर इस तरीके कंटेंट पर उस टाइम काम कर रहे थे, लेकिन भाई बहुत दिन हो गया तो ज़्यादातर लोग अभी भाई एक्टिव नहीं है इस तरीके कंटेंट पर। लेकिन अगर आप इस तरीके कंटेंट अगर आप फेसबुक पर सर्च करोगे तो अभी आपको भर भर के देखने को मिलेगा। देखो, जैसे कि एक ये पेज है हिंदी फनी जोक्स, अब यहाँ पर देख लो, आप 9 घंटे हुआ है बस वीडियो को अपलोड किए हुए, 52,000 यहाँ पर व्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको टैप कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 52 मिनट पहले इसने अपलोड किया, इसी तरीके से भाई ये भर भर के मतलब कि व्यूज़ आता है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर कुछ पेजेस और भी हैं, तो सी ऑल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। पहले व्यूज आप लोग देखो, 4.2 मिलियन, 7.1 मिलियन, 4.7 मिलियन, 2.2 मिलियन, यहां पर देख सकते हो गाइज किसी तरह 39 मिलियन, भाई देखो यहां पर 39 मिलियन जोक्स पे, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, 37,000 फॉलोवर है इस पे भी। और देखो आए दिन भाई यहां पर 2-4 मिलियन, 5 मिलियन, 14 मिलियन, 17 मिलियन, यहां पर देखो व्यूज कितना तगड़ा आता है, ठीक है। तो इस तरह कंटेंट आप कैसे बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी देखो, सबसे पहले मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आता हूँ और इसके रिलेटेड मैंने भाई एक वीडियो पहले ही बना रखा है, तो मैं टैप कर लेता हूं और वीडियो पर जाता हूं। सबसे नीचे मेरा एक साल पहले की जो वीडियो है, सेकंड वीडियो मेरा यही था गाइज, जिस पे इस तरीके कंटेंट में मैं पहले भी काम कर चुका हूं, लेकिन अभी रिसेंट में मैं काम नहीं करता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो, गूगल से कॉपी पेस्ट ये वाला जो है गाइज वीडियो, देखो ये वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे दूंगा, इस वीडियो को आप ज़रूर देखते रहिएगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने सारा अर्निंग प्रूफ्स वगैरह सारा कुछ दिखाया था, इसी कंटेंट को डाल के भाई बहुत सारे लोग उस टाइम अर्निंग कर रहे थे, ठीक है। और आज के टाइम में भी भाई बहुत सारे लोग इस तरह कंटेंट को डाल के भाई महीने का लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी गाइस कैसे अर्निंग कर सकते हो, सारा कुछ आपको इस वीडियो में प्रोसेस पता चलेगा और ये वीडियो कैसे क्रिएट करना है वो भी बताऊंगा। अब देखो, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अगर कुछ छूट जाए तो इस वीडियो में एक एक चीज मैंने बताया है, ठीक है। अब चलो, यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको कंटेंट वगैरह भी पता चल गया। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फनी जोक्स आपको लेना है जो आपको गूगल पर मिल जाएगा। दूसरा, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो देखो ये सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आपको यहाँ पर फनी जोक सर्च करोगे तो इनकी जो वीडियोज हैं, मान लो कि इनकी जो वीडियो है इनकी बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके इनके लिंक को कॉपी कर लेना है। ऐसे करके आपको 10-12 जो भी वीडियो चाहिए ना, इनके लिंक को कॉपी कर लेना और गूगल में चले जाना, वहाँ पर लिख देना फेसबुक वीडियो डाउनलोडर, ऐसे करके आप सर्च कर लेना, वहाँ पर लिंक पेस्ट करके डाउनलोड कर लेना तो वीडियो आ जाएगा। बाद में इसकी म्यूजिक को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 10 कम से कम अपनी साउंड रख लेना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता कि भाई म्यूजिक कहाँ से मिलेगा, तो आप यहीं से ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। अब म्यूजिक आपने ले लिया। दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक भाई वहां पर ने एक देखो यहां पर देखो ये नाम जैसे कि वेरीफाइड वाला आ रहा है, ठीक है, नाम ने आपको देखो इस तरीके से वेरीफाइड वाला देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये भी है तो देखो यहाँ पर नाम वेरीफाइड वाला देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कैसे बनाना है,
तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आ जाना होगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फेक रीट्वीट पोस्ट। बाकी मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे बेसिक ट्वीट मेकर नाम का ये ऐप है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो ये डीपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसको क्लिक कीजिए। अब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो गैलरी से भाई जो भी आपको फ़ोटो ऐड करना है ना, मैं लाइक यहाँ से मैं कोई भी एक रैंडम फ़ोटो ले लेता हूँ, बाकी आप अपनी प्रोफाइल की या पेज की जो डीपी होगा ना वो आप यहाँ पर लगा देना, ठीक है, जो भी आपका प्रोफाइल का होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए गाइज यहाँ पर चलो ज़्यादा तो मेरे में नहीं है, चलो थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। तो ऐसा करके गाइस जैसे कि मैंने ये देखो पायल गेमिंग का ले लिया, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मेरा पेज का नाम है एसके फनी जोक्स, तो ऐसा करके आपको अपना नाम डाल देना है। अब यूज़र आईडी में भी आप सेम डाल सकते हो, बाकी नहीं भी है यूज़र आईडी तो कोई दिक्कत नहीं, वही नेम डाल दो और सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर दो। तो देखो इस तरीके से हमारा गाइस ये बन चुका है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे करके आपको इसको छोटा कर लेना है। देखो ऐसे करके आपको, ऐसे करके दोस्तों आपको छोटा कर देना है, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी यार, तो ऐसे करके मैंने इसको छोटा कर दिया, सेव पर क्लिक कर दिया है। अब इसकी बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है, तो हम क्रोम में जाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे रिमूव बीजी, ठीक है, ऐसे करके आपको सर्च कर लेना है। तो देखो रिमूव डॉट बीजी नाम का एक वेबसाइट मिलेगा, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अब अपलोड इमेज पर आप जैसे टैप करोगे तो उस वाली फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना जिसे हमने क्रॉप किया था, स्क्रीनशॉट ले गए, ठीक है। तो देखो इसकी बैकग्राउंड को यहाँ से दोस्तों रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर डाउनलोड पर हमने क्लिक कर दिया, तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ चुका है जो मैंने तरीका बताया था, दूसरा हमारा ये भी आ चुका है। अब हमें चाहिए फनी जोक्स, तो फनी जोक्स के लिए गूगल में ही आना है। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन वेज, देखो यहाँ पर नॉन वेज अब फनी जोक्स, ठीक है, फनी जोक्स इन हिंदी, आप इस तरीके से लिख सकते हो, फनी जोक्स हस्बैंड वाइफ, फनी जोक्स जीजा साली, ऐसे करके जो भी आपको मतलब कि वर्ड चाहिए वो सर्च कर दोगे आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर भर भर के बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो डर्टी डबल मीनिंग जोक्स, यहाँ पर नॉन वेज जोक 2014, इस पर भी क्लिक करोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी मतलब जोक्स है मिल जाएगा, ठीक है। अब यह वेबसाइट को मैं क्लिक करता हूँ, अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे जोक्स हैं। अब देखो आपके वीडियो कब वायरल होगा, जब गाइज यहाँ पर आप अच्छे अच्छे फनी जोक्स जिसे देख के यानी कि जिसे आपको पढ़ के खुद ही हंसी आ जाए ऐसे जोक्स डालोगे तब व्यूज़ आएगा, बाकी आप कुछ से कुछ उठा के डालोगे तो आपके व्यूज़ नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों का मन में डॉट रहता है भाई हमारे जोक्स तो वायरल ही नहीं हो रहा है, तो भाई देखो आपको कंटिन्यू भी रहना है, साथ में दोस्तों आपको ऐसी जोक्स उठा के डालना है कि जो बिल्कुल ही भाई यहाँ पर देख जैसे पढ़ोगे वैसे आपको हंसी आ जाए। जैसे कि मेरे को ये जोक्स थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसको टैप करके यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, पिक्सल लैब नाम का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड करके ओपन कीजिए। अभी यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे आइए और यहाँ पर जो विड्थ यू है इसको 9 लिख लो और हाइट को यहाँ पर 16 यानी 16 करके डन कर दो। अब ये टेक्स्ट को इसको क्लिक करके डिलीट कर लीजिए, बाकी कलर पे आइए, ये बैकग्राउंड पे कलर पे आइए, बहुत सारा कलर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे इसको टैप कर लो और जो भी कलर आपको बनाना है ऐसे करके कलर बना सकते हो, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर देखो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर ऐड कर लेता हूँ, डन कर लूँगा। अभी प्लस पे आके यहाँ पे फॉर्म गैलरी पे हम क्लिक करेंगे और जो भाई यहाँ से हमने बनाया था डीपी एक ये वाला, इसको हम ऐड कर देंगे और ऐसे करके आपको यहाँ पर लगा के इसको लॉक कर दूंगा, ठीक है। अभी प्लस पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट पे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है, बाकी यहाँ पर इसको हटा दीजिए और ऐसे करके देखो दोस्तों आपको ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हो। मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इतना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि जोक्स हमारा छोटा है। बाकी कलर में आएंगे, इसकी कलर को हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉन्ट वाले ऑप्शन में आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट आपको पहले से देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट को ऐड कर लूँगा। तो देखो ये कितना डार्क है, इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना हो चुका है, अभी इस प्लस में फिर आइए, टेक्स्ट में आइए, एडिट पर आइए। अब आपको कुछ जो मतलब फनी मतलब कि जो होता है ना इमोजी वैसा चाहिए, तो इमोजी पर टैप कीजिए और ऐसे करके गाइस यहाँ पर मैं कुछ इमोजी को डाल देता हूँ। देखो ऐसे करके मैं इमोजी डाल देता हूँ
और यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा गाइज इतना तक काम हो चुका है। अब इसको टैप करके सेव पे क्लिक करके इसको अब यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। अब देखा दोस्तों आपने कि हमारा इतना काम हो चुका है, हमने जोक्स की जो भाई लाइन्स होते हैं वो भी बना लिया, अपने डीपी जो होता है अपना फेसबुक का वो भी मैंने डाल दिया है। अब मेन काम होता है इस पर एक इफेक्ट लगाना। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि देखो यहाँ पर देखो ये सब इफेक्ट जो लगा हुआ है, जैसे कि ये एक ग्लिच इफेक्ट है। तो इसको लगाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन और डाउनलोड करना होगा। एक एप्लीकेशन है कैपकट, जिसे मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दिया है, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा जो एप्लीकेशन है आपको बीपीएन, तो देखो यहाँ पर बीपीएन पावर बीपीएन नाम का ये एप्लीकेशन है। आपको पता ही है कि बीपीएन जब तक नहीं कनेक्ट करोगे कैपकट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले बीपीएन को। अब बीपीएन को कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है कि कैपकट को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने कैपकट को भाई ओपन कर लिया है, ठीक है। बहुत बार दोस्तों कनेक्ट नहीं होता रहता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि देखो अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है, तो एक बार मैं इसको और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत बार दोस्तों नहीं होता है कनेक्ट, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जो भी आपके में यहाँ पर कनेक्ट होगा ना आपको कनेक्ट कर लेना है। तो अब जैसे कि गाइस मुझे लग रहा है कि ये कनेक्ट हो चुका है, तो एक बार मैं ओपन फिर से कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, तो न्यू प्रोजेक्ट पर मैं टैप कर लूँगा और जो फोटो अभी हमने यहाँ से लिया था बनाया था उसको सेलेक्ट करके ऐड क्रिएट वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को मैं क्लिक कर लूँगा तो ऐसे हो जाएगा। बाकी इसकी जो 4-5 सेकंड ही ड्यूरेशन रखना। अब देखो ये मेन वायरल क्यों होता है, तो इसकी ड्यूरेशन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक ही रहता है। इसलिए गाइज यहाँ पर जैसे लोग क्लिक करते हैं तुरंत भाई यहाँ पर ने ख़त्म हो जाता है। तो बार बार गाइज यहाँ पर जो लोग क्लिक करेंगे तो देखो एक आदमी कम से कम 4-5 बार पढ़ लेता होगा, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत ही गुजर जाता है, ठीक है। तो आपको ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रखना है, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड ऐसे करके रखना है। अब हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो देखो ऐड ऑडियो पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड पे क्लिक कीजिए। अब जो वीडियो हमने लिया था वहाँ से, तो ये देखो 4 सेकंड का ये वीडियो था, इसको मैं टैप करके सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करूँगा, तो देखो इसकी म्यूजिक आ जाएगी। बाकी इसकी ड्यूरेशन को मैं इतना कर लेता हूँ जितना इसकी म्यूजिक की ड्यूरेशन है, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अब इस पर हमने इफेक्ट डालना है, तो इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वीडियो इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपने बीपीएन नहीं कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपकी एरर दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ग्लिच का, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे सिलेक्ट करो देखो बहुत सारा आपको ग्लिच देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे। देखो यहाँ पर हमें चाहिए क्रोमैटिक, देखो ये क्रोमैटिक नाम का ग्लिच है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखो ऐसे सेम सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो देखो कुछ इस तरीके से होने लग गया दोस्तों। बाकी यहाँ पे एडजस्टमेंट में आके इसको भाई यहाँ पे स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, देखो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे करके कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी अपना वीडियो गाइज यहाँ पे बन चुका है, एक बार मैं प्ले करके दिखा, तो देख लो कि हमारा ये वीडियो बन चुका है। अब इसको टैप करेंगे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके, आपको इसी तरीके से दिन में आप 10-15 वीडियो भी बनाओगे तो जैसे ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं बीपीएन को दोस्तों यहाँ से मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर अपना काम हो चुका है बीपीएन का, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिसकनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें अपलोड करने के लिए सबसे पहले मेथड देखना, देखो इनकी सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ खुद ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये है तो देखो फनी जोक्स, अब देखो यहाँ पर कितने सारे हैशटैग हैं, ठीक है, यही हैशटैग आपको लिख लेना है। और नहीं तो आप यहाँ पर आपको क्या करो, प्लस पे आओ, रील्स पे आओ और यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करो और यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या सर्च कर लेना है, फनी जोक्स, ठीक है, और ऐसे करके आपको इमोजिस को लगा देना। अब यहाँ पर आपको लिखना है हैशटैग में फनी, ठीक है, देखो यहाँ पे फनी 1.6 बिलियन पोस्ट है, देखो यहाँ पर खुद देखो, सेलेक्ट करो यहाँ पे, फिर लिखो आपको जोक्स, ठीक है, देखो 15 मिलियन है, फिर यहाँ पर लिखो फनी जोक्स, ठीक है, ऐसे करके फनी जोक्स, ठीक है, उसके बाद में फिर कॉमेडी, ऐसे करके आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे फनी रील्स, ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे फनी वीडियो, ऐसे करके गाइज यहाँ पर आपको बस यहाँ पर सर्च करते जाना है और लगाते जाना है एक्सप्लोर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर
डालना है, ठीक है, और शेयर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आपको कंटिन्यू 15 दिन तक काम करना है। और जिस भाई को मतलब 800 नील मिला हुआ है ना, अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रहा है तो भाई अगर आप यहाँ पर अर्निंग नहीं कर पा रहे हो तो इस कंटेंट को डाल के आप 10 दिन ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। साथ में दोस्तों देखो, अभी तो कुछ लोग फेसबुक पर ये जो कंटेंट डाल रहे हैं भाई ऐसे तो डाल नहीं रहे, उनका अर्निंग हो रहा है इसलिए वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहोगे इसमें, आपकी ओरिजिनल कंटेंट एक तरीके से हो जाता है तो फेसबुक एड्स ऑन रील भी दे देता है, ठीक है। बाकी जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा एक एक चीज़ पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों मेरा टेलीग्राम आईडी का लिंक ये है, मतलब कि टेलीग्राम आईडी मेरा ये दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। आप मेरे से अगर कोई पेज खरीदना चाहते हो एड्स ऑन रील बोनस कोई सा भी तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत लो रेट में दे दूंगा। बस आपको ये बताना है कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, यूट्यूब वीडियो देख के आया हूँ, मुझे लो रेट में दो, ठीक है। तो मैं आपको बहुत लो रेट में मतलब लो रेट में दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पेज बेचना भी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा गाइस, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये यूज़र आईडी है, देख लेना जाके। बाकी मेरा व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जगह आपको नए नए कंटेंट वगैरह सब आपको देखने को मिलता रहता है। बाकी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर बहुत सारे कंटेंट मैं शेयर करता रहता हूँ जो मैं अपने टेलीग्राम पे या अपने इंस्टाग्राम पे नहीं देता हूँ, तो जाके व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।